हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में फेस शेडिंग करना सिखाऊंगा और इस तरीके से आप लोग कोई भी फेस के ऊपर शेडिंग कर सकते हो। तो फुल वीडियो ध्यान से देखना मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। और इस ड्राइंग की आउटलाइन ट्यूटोरियल और हेयर ड्राइंग ट्यूटोरियल ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो वो दो वीडियो जरूर से देख लेना अगर आप भी इस ड्राइंग को करना चाहते हो। तो वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैं इस ड्राइंग को करने के लिए ब्रूस्टर की मीडियम सरफेस वाला पेपर यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं फर्स्ट लेयर में HB पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। और अगर आप लोग आईबड़ी पेपर का यूज कर रहे हो तो फर्स्ट लेयर में आप लोग 2B पेंसिल का यूज कर सकते हो। तो मैं फर्स्ट लेयर में HB पेंसिल से फुल फेस के ऊपर शेडिंग करूंगा। बेसिकली इस लेयर में लाइट एरियाज में हल्के हाथ से करूंगा, और जहाँ पर भी डार्क एरियाज है लाइक आईज की एरियाज में और जहाँ जहाँ पर शेडो गिर रहे वहाँ पर थोड़ा बहुत पेसर को अप्लाई करके करूंगा। तो अभी आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैं यहाँ पर HB पेंसिल का यूज़ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मीडियम सरफेस वाला पेपर है। तो HB पेंसिल से शेडिंग करने के बाद इसको जब मैं ब्लेंडिंग करूंगा तब इसी से ही बहुत डार्क रिजल्ट मिल जाएगी। बट आईबड़ी पेपर स्मूथ होने की वजह से पेपर के साथ ग्रेफाइट या फिर चारकोल अच्छी से स्मज नहीं हो पाता है, इसलिए वो उतना डार्क वैल्यू नहीं दे पाता है। तो जो भी आईबड़ी पेपर से इस ड्राइंग को कर रहे हो तो जहाँ पर मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पर आप लोग 2B पेंसिल का यूज़ करना। और हाँ, पेंसिल को जितना हो सके ऑलवेज शार्प रखना। आप लोग जितना शार्प पेंसिल से शेडिंग करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगी। और जल्दबाजी करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। पेंसिल स्केच कर रहे हो A4 साइज में, एक पोर्ट्रेट ड्राइंग में आप लोगों को मिनिमम 12 आवर टाइम देना ही पड़ेगा। और उससे जल्दी करने की कोशिश करोगे तो ड्राइंग खराब हो गई। तो एकदम आराम से करो, एक एक पार्ट पकड़ के शेडिंग करो, डेफिनेटली आपका भी ड्राइंग बहुत ही अच्छा होगा। तो बस इसी तरीके से फर्स्ट लेयर में HB पेंसिल से फुल फेस के ऊपर शेडिंग करूंगा। तब तक आप लोग देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। और इस वीडियो की लाइक टारगेट में रखता हूँ 1.2K लाइक्स। आई होप इस पर भी आप लोग बहुत ही जल्दी कर दोगे। ओके, शेडिंग करने के बाद इसको ब्लेंडिंग करने के लिए मैं यहाँ पर फ्लैट पेंटिंग ब्रश का यूज कर रहा हूँ। आप लोग चाहे तो मेकअप ब्रश का भी यूज कर सकते हो या फिर कॉटन बट का भी यूज कर सकते हो। ज्यादा प्रेशर देके घिस के ब्लेंडिंग मत करना, जस्ट हल्के हाथ से शेडिंग की स्ट्रोक के अकॉर्डिंग ब्लेंडिंग करना, ब्लेंडिंग बहुत ही स्मूथ आ जाएगी। ओके, अभी सेकेंड लेयर में 4B लीड की मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। आप लोगों के पास 4B लीड की मैकेनिकल पेंसिल नहीं है तो आप लोग 6B पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, बट पेंसिल को एकदम शार्प रखना, नहीं तो बिल्कुल भी डिटेलिंग नहीं हो पाएगी। बेसिकली इस लेयर में डार्क वैल्यू और शेडो जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ पर शेडिंग करना है, और हाथ की प्रेशर को ऑलवेज मेंटेन करके रखना है। जहाँ पर भी आप लोगों को लग रहा है एकदम डार्क एरियाज है वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर को अप्लाई करना है, मीडियम डार्क एरियाज में मीडियम प्रेशर को अप्लाई करना है, और लाइट एरियाज में हल्के हाथ से करना है। सो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। बाकी आप लोग देखो मैं कहाँ पर किस तरीके से कर रहा हूँ। और अभी इसको भी ब्लेंडिंग कर लेना है, बट इस बार उतनी अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग नहीं करना होगा, नहीं तो जो भी डिटेलिंग हुआ है वो सब ब्लेंड हो जाएगी। तो जस्ट एकदम हल्के हाथ से इस बार ब्लेंडिंग करना है। और आईज की एरियाज में और नोज में छोटा वाला ब्रश को यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंडिंग करने के लिए। और आप लोगों के पास स्मॉल साइज की ब्रश नहीं है तो कॉटन बट का या फिर ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर सकते हो। और अभी इसके ऊपर हाईलाइट और डिटेलिंग करने के लिए मैं यहाँ पर टोमोमोनोज इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। आप लोगों के पास टोमोमोनोज इरेजर नहीं है तो नॉर्मल इरेजर को कट करके भी कर सकते हो। किस तरीके से करना है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो जो भी जानना चाहते हो तो वो वीडियो देख लेना। वीडियो के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और हाईलाइट करने के टाइम रिफरेंस फोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करके करना, जितना है उतना ही करना, ज़्यादा मत कर देना नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पर भी प्रेशर को मेंटेन करके रखना है, ज़्यादा हाईलाइट है तो ज़्यादा प्रेशर को अप्लाई करो और कम है तो लो प्रेशर को अप्लाई करो। और हाईलाइट करने के बाद उसको भी एकदम हल्के हाथ से ब्लेंडिंग कर लेना है।
और अभी जहाँ पर भी एकदम डार्क एरियाज है लाइक आईब्रोज में, आईबॉल्स में, वहाँ पर 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, बट ध्यान में रखना पेंसिल बिल्कुल शार्प होना चाहिए। और अभी बियर्ड्स के लिए सॉफ्ट वाला चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और पेसर में मीडियम यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली रेफरेंस फोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और जैसा है उसी हिसाब से हेयर की डायरेक्शन में स्ट्रोक देना है, एकदम एक्यूरेटली ड्रॉ करना है, ऐसा नहीं जस्ट जो है 80% करने की ट्राई करो उतना ही काफ़ी है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ पेंसिल को बिल्कुल शार्प रखना, पेंसिल शार्प नहीं रखोगे तो बिल्कुल भी रियलिस्टिक रिजल्ट नहीं आएगी। और यहाँ पर भी सेम, जहाँ पर भी डार्क एरियाज है वहाँ पर मीडियम पेंसिल को अप्लाई करना है और जहाँ पर भी लाइट एरियाज दिख रहे हैं आप लोगों को वहाँ पर हल्के हाथ से करना है। ओके, अभी इसको भी मैं ब्लेंड कर लूँगा और ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पर ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ हेयर्स में, और बियर्ड्स में ब्रश के अलावा किसी और टूल का यूज़ मत करना। और अभी इसके ऊपर हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पर टोमोन इरेज़र का यूज़ कर रहा हूँ और रेफरेंस फोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करना है आप लोगों को, जहाँ जहाँ पर भी आप लोगों को हाईलाइटेड एरियाज दिख रहे हैं वहाँ पर इससे हाईलाइट करना है और ज़्यादा मत कर देना, नहीं तो आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और अभी जहाँ पर भी आप लोगों को लग रहा है थोड़ा और डार्क होना चाहिए था या फिर कुछ हेयर्स मिस है तो वहाँ पर आप लोग उसी चारकोल पेंसिल से स्ट्रोक दे सकते हो, बट पेंसिल को एकदम शार्प रखना। और अभी लिप्स के लिए पहले 4B पेंसिल से शेडिंग करना है, देन उसके बाद ब्लेंडिंग करना है और उसके बाद उसके ऊपर टोमोन इरेज़र से हाईलाइट करना है और उसके बाद 6B पेंसिल से उसके ऊपर डिटेलिंग करना है। और अभी आप लोग देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, देन आप लोग भी उसको फॉलो करके भी कर सकते हो। बियर्ड्स के ऊपर जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये मैं चारकोल पेंसिल से किया हूँ, तो इसके ऊपर आप लोग ग्रेफाइट पेंसिल से स्ट्रोक दे सकते हो, उससे और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कैमरा में वो कैप्चर नहीं हो रहा है गाइस, बट रियल में आप लोग ट्राई करके देखना, रिजल्ट अच्छा मिलता है। इसी तरीके से आप लोग हेयर्स में भी ट्राई कर सकते हो अगर आप लोग चारकोल पेंसिल से किए हो तो। मैं अभी नहीं किया हूँ बट बाद में कर लूँगा, तो वो आप लोग ट्राई कर सकते हो, उससे और भी रियलिस्टिक लुक आ जाएगी। बट ध्यान में रखना पेंसिल बिल्कुल शार्प होना चाहिए, नहीं तो आप लोग मैकेनिकल पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो मेरी तरह। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, कुछ सीखने को मिला होगा तो एक लाइक जरूर से कर देना और 1.2K लाइक्स का टारगेट मैं रखा हूँ तो बहुत जल्दी से कर देना, देन मैं इस ड्रॉइंग की लास्ट पार्ट भी बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।